I am Sanita Negi from Politics Institute. Today we are going to study about the difference between male and female gametophyte. सबसे पहले हम start करेंगे कि जो male gametophyte है, वो किससे बना हुआ है? It developed from the microspore or pollen grain. जो हमारा male gametophyte है, सबसे पहले हमारा जो gametophyte है, वो क्या है? गैमेटोफाइट वो प्लांट का पार्ट है जिसके अंदर हमारे गैमेट्स हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, ठीक है। तो जो मेल गैमेटोफाइट है वो किससे बनता है? पॉलन ग्रेन से बनता है या फिर वो माइक्रोस्पोर से, ठीक है। वो एट द सेम थिंग, पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। फीमेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म फ्रॉम द मेगास्पोर। जो दूसरा डिफरेंस है दैट इज इसकी जो डेवलपमेंट है वो हाफ डेवलपमेंट, तो जो मेल गैमेटोफाइट की वो मेल पार्ट में होती है, बट उसकी जो आगे डेवलपमेंट होती है मेल गैमेटोफाइट की, जो वो फीमेल पे आ जाता है तो फीमेल में होती है उसकी, ठीक है। तो कैसे, जो इसका हाफ डेवलपमेंट है वो तो माइक्रोस्पोर एंजियम के अंदर हो जाएगी, बट हाफ डेवलपमेंट जो कम्प्लीटली मैच्योर होता है जो फीमेल गैमेटोफाइट, वो स्टिग्मा में, और फाइनली जो कम्प्लीट डेवलपमेंट होती है वो उसके स्टाइल में होती है, जब वो पॉलन ट्यूब से जैसे एंटर करता है ओव्यूल में। अब उसके बाद जो इसकी डेवलपमेंट है, इसकी डेवलपमेंट है फीमेल गैमेटोफाइट की, वो कम्प्लीटली हमारे मेगास्पोर एंजियम और ओव्यूल के अंदर होती है, जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होगा? एग होगा, ठीक है। वो क्या है? फीमेल गैमेट। और इसमें क्या होगा मेल गैमेटोफाइट में? इसमें मेल गैमेट्स होंगे। इट इज थ्री सेल्स, हमारा जो मेल गैमेटोफाइट है वो तीन सेल से बना हुआ है, ठीक है, जिसमें दो क्या है मेल गैमेट और एक है ट्यूब सेल। और हमारा फीमेल गैमेटोफाइट इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेवन सेल, जिसमें क्या है टू सिनर्जिड्स, थ्री एंटीपोडल सेल्स, वन एग सेल एंड वन सेंट्रल सेल। तो टोटल सेवन सेल से ये बना हुआ है। और हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी अपना जो फीमेल गैमेटोफाइट है प्लांट का, वो पूरा कंप्लीटली डिटेल में हमने स्टडी किया था। अब इसमें जो थ्री सेल से बना हुआ है ये मेल गैमेटोफाइट, तो उनका क्या वर्क है? जो इसमें से टू मेल गैमेट्स हैं, टू मेल गैमेट्स, उसमें से एक जो मेल गैमेट है वो तो एग को फर्टिलाइज करेगा, जिससे कि फर्दर जायगोट बनेगा, देन एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी। और जो एक मेल गैमेट है वो कहाँ पे किससे फर्टिलाइज होता है? वो हमारा जो सेंट्रल सेल है उसके साथ फ्यूज होकर के प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाएगा। अब बचा था हमारा ट्यूब सेल। ट्यूब सेल का काम है पॉलन ट्यूब को गाइड करना, और बाद में वो क्या होता है? डीजनरेट हो जाता है। अब इसमें जो सेवन सेल्स हैं, है ना, सेवन सेल से हमारा पूरा फीमेल गैमेटोफाइट बना हुआ है, उनका क्या काम है? सबसे पहले हम अपनी एग अपैरेटस की बात करते हैं। जो एग अपैरेटस है उसमें क्या है? टू सिनर्जिड्स हैं और एक एग सेल है। तो जो टू सिनर्जिड्स हैं उनका काम होता है कि वो पॉलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक तक गाइड करते हैं। एक जो सिनर्जिड है वो तो पॉलन ट्यूब की एंट्री से पहले ही डिजनरेट हो जाता है, बट जो दूसरा सिनर्जिड है वो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन डिजनरेट हो जाता है। एग सेल है, उसमें एग सेल का क्या वर्क है कि वो एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है। बच्चा सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल दूसरे मेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर के प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाएगा। देन देयर आर थ्री एंटीपोडल सेल्स, जिनका काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना एम्ब्रियो को, ठीक है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है और हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म। यहाँ पे तक हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें क्या होता है कि हमारा तीनों जो ट्यूब सेल है वो डिजनरेट हो गया, और डबल फर्टिलाइजेशन हो गई टू मेल गैमेट से। अगर कोई भी पार्ट रिमेनिंग बचता है किसका? मेल गैमेटोफाइट का, वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। बट इसमें क्या होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन? देखो, एक मेल गैमेट ने एग को फर्टिलाइज किया, तो फर्टिलाइज होने के बाद क्या होगा? जायगोट की फॉर्मेशन हुई, जायगोट से एम्ब्रियो बना, ठीक है। और जो सेकेंड मेल गैमेट है उसने सेंट्रल सेल को फ्यूज किया, वहां से प्राइमरी एंडोस्पर्म बना, ठीक है। अब एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म बन गए किसके अंदर? हमारे ओव्यूल के अंदर, ठीक है। बनते ही उसके बाद जो ओव्यूल है उसके बाद फर्दर वो क्या बन जाएगा? पूरा कंप्लीट सीड बन जाएगा। तो ये हमारा डिफरेंस हमने स्टडी किया किसमें? मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट।
If you like my video, like it and subscribe our channel.